एक दिन पहले तक तबलीगी जमात के मरकज से लोगों को निकाला गया और आज वहां हालात डरावने हैं। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। ये इलाका सील कर दिया गया है। हमारे संवाददाता चिराग गोठी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम निजामुद्दीन में मौजूद हैं। आप देखिए, अब आज सुबह भी ड्रोन से जो है पूरी गतिविधि को एक तरह से कैद किया जा रहा है। हर एक जगह ये चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई जमात का कोई ऐसा शख्स जो है वो छुपा हो। फिलहाल 2000 प्लस से ज्यादा लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया है अगर बात की जाए, और आज ये पूरे जो मरकज है उसको सील कर दिया गया है और बाकायदा इसकी सैनिटाइजेशन भी करा दी गई है। अब फिलहाल स्थिति है कि यहाँ पर कोई बस मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन की सहायता से पूरी तरह से यहाँ पर निगाह जो है वो रखी जा रही है, और ये स्थिति जो है अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इलीगल गैदरिंग हुई, इससे तमाम सवाल पुलिस पर भी खड़े हुए हैं और साथ साथ जो सवाल खड़े हुए हैं वो जो मरकज के अधिकारी थे उनके ऊपर भी है कि आखिर इतनी इलीगल गैदरिंग जब लॉकडाउन था तो ये लोग कैसे इकट्ठा हो गए। आप देख सकते हैं फिलहाल ड्रोन की मदद से यहाँ पूरे इलाके की एक तरह से कहा जाए कि स्कैनिंग की जा रही है। जगह जगह जो है ड्रोन घूमेगा, चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लोग छतों पर छिपे हुए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल यहाँ प्रशासन कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पर जिस तरह से 2000 प्लस लोगों को निकाल दिया गया है, प्रमाइसिस को सील कर दिया गया है, आसपास के पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन जो है उसका कर दिया गया, तो साफ है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई। 10 लोगों की मौत हो गई, कई लोग यहाँ से संक्रमण लेकर गए। करीब करीब 24 लोग अभी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 10 अंडमान में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी 34 लोग करीब करीब ऐसे हो गए हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है कि एक तरफ जहाँ ड्रोन से हर एक गतिविधि पर नजर है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस है वो अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। कैमरा विपिन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।